आज मैं जो कहानी पढ़ने वाला हूँ वो प्रेमचंद जी की नादान दोस्त है, जो एक भाई बहन के बीच में एक नादान सा प्यार और बचपन के जो बच्चे होते हैं वो कितना निस्वार्थ भाव से, कितनी नादानी से किसी से दोस्ती करते हैं उसके ऊपर है। तो कहानी की केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया को दोनों वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध बिना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धाम से फुर्सत होती और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर कहीं फुर्र तो ना हो जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, अरे नहीं रे बगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाती होगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ दे ना पाया। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इनको दाना कैसे खिलाती होगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा लगा के दोनों घबरा उठे। दोनों ने यह फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया न था। बोला, जरूर तकलीफ तो होती होगी बेचारों को। बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे और फिर ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख दिया जाए। इसलिए इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर लिया गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम में लग गए। श्यामा की मां की आंख बंद होना लेकर दोनों धीरे से वहां से निकल गए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाए, फिर ऊपर छड़ियों के बगैर कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां कैसे रखेंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, लेकिन हाँ, अम्मा जी से मत कहना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है भैया, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने का कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। केशव दौड़कर टोकरी उठा लाए। केशव ने उसके सुराग में से थोड़ा सा कपड़ा ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, अब देख धूप जाएगी क्या। श्यामा ने अपने दिली दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है ना। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां थी। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोकी आंखें बंद किए हुए अम्मा के सोने का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठकर बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां अब चलने लगी थी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए खड़ी थी। स्टूल के चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाती। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी वो उसका दिल ही जानता है। दोनों हाथों के कार्निस पकड़कर वो खड़ा रहता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर के बहुत मार मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर जाता
और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर तीन चार अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उनके पेड़ों जैसे घोंसले पेड़ों पर देखे थे, वैसा तो कोई घोंसला ना दिख रहा था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी तो दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, अरे दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर ले आई। केशव ने छुपकर कपड़ा ले लिया, उसके कई तरह तह लगाने के बाद एक गद्दी बना दी और उनको वहां पर बिछा दिया। श्यामा ने फिर पूछा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, अरे दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो ले आ, ऊपर छाया भी तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी भी ले आए। अब तुम नीचे उतर आओ, जरा मुझे भी तो देखने दो। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लटका दिया और कहा, जा दानों और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजों को रख दिया और आहिस्ता से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया ऊपर। केशव, अरे तू गिर पड़ेगी। श्यामा, अरे ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रखना। केशव, अरे ना भैया ना, कहीं तू गिर पड़ गई तो अम्बा जी मेरी चटनी बना देंगी, कहेंगी कि तूने इसे चढ़ाया था ऊपर। अब ऐसे भी क्या करेगी ऊपर चढ़ के, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और वहां बिना बैठे वापस चली जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों को कहीं देख कर डर तो नहीं रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहां थी वहां जाके वापस रख दी। श्यामा की आंखों में आंसू भर आए, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं अम्मा जी से जाके बोल दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मार मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, अरे गिर जाती तो सर के चार टुकड़े हो जाते। श्यामा, अरे हो जाते देख लेना, मैं तो कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखें मिचियाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना दोपहर में कोई नहीं निकलेगा, किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां के सामने यह बात न कही। उसे डर था कि भैया कहीं पिटपिटाना जाए। केशव का दिल भी कांप रहा था कि कहीं श्यामा कुछ बोल ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इस पर से श्याम का भरोसा उठ गया था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या फिर कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला तो किया नहीं जा सकता। लेकिन शायद बात तो दोनों ही थी। मां ने दोनों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का तो पता ना था, संयोग से उसकी नजर नीचे गिरे हुए अंडों पर पड़ी। वापस आकर बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, लगता है बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। वो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कुछ चूने सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहां उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहां गए? केशव, तेरे सर में, देखते नहीं अंडों में से उजला पानी निकल रहा है, वही 2-4 दिन में अंडे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लेके पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस ना आया। उसने सोचा कि शायद अंडों को इस तरह भैया ने रख दिया कि वो नीचे गिर गए। इसकी उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसने बोला, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। मां ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। मां, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के पहुंचे थे भैया जी। केशव, तू स्टूल था में? केशव, तो तू स्टूल था में नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा, तो तुमने ही तो बोला था मुझे भैया जी। मां,
तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे इतनी भी समझ नहीं कि चिड़िया के अंडे छूने से वो गंदे हो जाते हैं, चिड़िया इन्हें फिर ना सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिर गए अम्मा जी? मां, और नहीं तो क्या, केशव के सिर ही पाप पड़ेगा इसका। हाय हाय, जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों में गद्दी पर रखा था अम्मा जी। मां को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था, परंतु उस दिन के बाद दोनों चिड़िया में से कोई भी वहां दिखाई न दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।